वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे छोले के जो मसाले हैं वो कैसे बनाते हैं और उन मसालों से छोले कैसे बनाते हैं, जो बहुत ही टेस्टी और यमी छोले आपके बने। आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आता है कि जो भी हम छोले बनाते हैं इतना मज़ेदार नहीं बनता, इतना टेस्टी नहीं बनता। तो दोस्तों, मैं आपको इन मसालों के साथ बिना ओनियन गार्लिक के इतना टेस्टी छोला बना के दिखाऊंगा। ऐसे छोले शायद ही किसी ने बनाया होगा, तो मैं उसे अब्दुल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काबुली चना लेना है 1 किलो, उसको अच्छी तरह छांट लेना है। जो काले काले दाने होंगे और हरे हरे जो दाने होंगे उसको अच्छी तरीके से निकाल के इस तरीके से बिल्कुल साफ दाने लेने हैं और पानी में भिगो लेना है 8 से 10 घंटे या पूरी रात। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चना क्यों भिगोते हैं। चना हमारा हार्ड होता है और पानी में भिगोने से चना जो है पानी को अंदर तक खींच लेगा और आप जब छोले बनाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बनेगा और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। फिर उसके बाद में आपको कुकर लेना है या फिर आप हंडी लगन भी ले सकते हैं, लेकिन कुकर में क्या है, जल्दी कुकर में मतलब चने जो हैं बहुत टाइम लगते हैं उगलने के लिए, तो कुकर में 7 से 8 सीटी में कुकर में आपका जो चिकपी है वो बॉयल हो जाता है, तो आपको कुकर में बॉयल करने से थोड़ा सा टाइम बच जाता है। अब चने को हमने बॉयल करने चढ़ा दिया है और हम उसका मीजा प्लग करेंगे जब तक ये बॉयल होता रहे। सबसे पहले आपको टमाटर लेना है, टमाटर को वॉश कर लेना है, अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद में इस तरीके से क्यूब काट लेना है। मैंने यहाँ पर 1 kg छोले के लिए 8 से 10 पीस छोटे साइज के टमाटर लिए हैं, करीब करीब 600 ग्राम आप ले लें और थोड़े से बड़े साइज में क्यूब में कट कर लें। फिर आपको छोले के मसाले बनाने हैं। सबसे पहले लेना है एक बर्तन, उसमें डालना है नमक, हल्दी 1 स्पून, कश्मीरी चिली पाउडर 2 स्पून। कश्मीरी चिली पाउडर डालने से कलर अच्छा आता है। धनिया पाउडर 1 स्पून, जीरा पाउडर 1 स्पून, चना मसाला 3 स्पून। चना मसाले का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखें क्योंकि हम छोले मसाले बना रहे हैं, तो चना मसाला जो MDH का आता है मैंने वो यूज किया हुआ है। फिर लेना है चाट मसाला 1 स्पून, अमचूर पाउडर 1/2 स्पून, गरम मसाला 1/2 स्पून, जीरा 1 स्पून। ये सारा हो गया छोले का मसाला। छोले के मसाले का मिश्रण इस तरीके से उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जब तक आप अच्छी तरह मिक्स नहीं करेंगे तो आपका छोला उतना अच्छा नहीं बनेगा। और आपको वीडियोस रेसिपीज पूरी देखनी है, कहीं पे स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं मिसेंगे, क्योंकि ये नो ओनियन नो गार्लिक बिना लहसुन प्याज का छोला है जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही दमदार बनेगा। ये देख लीजिए, अब हमारा चिकपी जो है छोले बॉयल हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। आपको इतना बॉयल कर लेना है, फिर आपको एक लगन में डाल लेना है। मैंने जैसे बोला था आपको इतना दमदार और इतना यमी छोला बनेगा, जब आप तड़का लगाओगे सारे घर पे महकेगा ये। अगर नहीं घर पे महकेगा तो आप मेरे को बताना। फिर आपको चने के ऊपर में सिंपल जो आपने टमाटर काट के रखा हुआ है वो चने के ऊपर डाल लेना है, और जो मसाले आपने बनाए हैं, मसालों का मिश्रण जो बनाया हुआ है वो टमाटर के ऊपर डालना है। याद रखना है छोले के ऊपर टमाटर, टमाटर के ऊपर ये सारे मसाले डालने हैं। फिर आपको लेना है एक पैन, उसमें डालना है ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल के उसको अच्छी तरह गर्म करें जब तक ये धुआं ना छोड़े। ऑयल को तब तक गर्म करना है, देख लीजिए इतना गर्म करना है जैसे धुआं निकल रहा है ना ऑयल से, वैसे आपको गर्म करना है। और इन मसालों के ऊपर में हल्का हल्का डालना है। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम ऑयल यूज किया हुआ है, 200 ml आप ऑयल ले लें और आपको इस तरीके से हल्के हल्के डालना है। याद रखना है ऑयल गर्म है, कहीं आप जल ना जाएं, इतना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ऑयल। टमाटर के ऊपर में इस तरह से अगर आप छोंक लगाएंगे, ऑयल आपको एक ही जगह नहीं डालना है, हर जगह डालना है, क्योंकि मसाले के ऊपर गिरे और ये टमाटर के अंदर घुसे और इसका जो मसाले का फ्लेवर है छोले के साथ इतना अच्छा निखर के आएगा, आपका जो घर है पूरे घर पर महकेगा और बाजू वाले भी कहेंगे कि ये क्या बना रहे हो आप, इतना फ्लेवर और खाने का इतना महक आ रहा है, कुछ नया स्पेशल बन रहा है। आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ, ठीक है चलो ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता। आप पहले बनाइए और हरी मिर्च डाल लीजिए ऊपर से 8 से 10 पीस। उसके बाद में आपको हल्के हाथों से मिलाना है और क्योंकि आपका जो छोला है वो बिल्कुल गला हुआ है, वो कहीं टूट ना जाए। मैंने आपको जैसा कहा था कि शायद ही आपने कभी ऐसा छोला बनाया होगा
ठीक है, तो आप एक बार बनाइए और मेरे को नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपकी जो छोले हैं वो कितनी स्वादिष्ट और कितना दूर तक इसका फ्लेवर गया हुआ है, सारा घर महका है या नहीं महका है, और उसका टेस्ट भी अमेजिंग यमी है या नहीं है, मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना ज़रूर। तड़का लगाने के बाद में आपको धीमी आंच में आधे घंटे या 20 मिनट तक इसको पकाना है। अगर घर का चूल्हा होता है थोड़ा फास्ट में पकाना है, ये तो होटल का चूल्हा होता है जो हाई फ्लेम वाला होता है, हम इसको फास्ट में 20 से 25 मिनट पका देते हैं, हो जाता है। आपको पका लेना है इस तरीके से, और छोले का जो पानी है वो फेंकना नहीं है, छोले के पानी के ऊपर में टमाटर डालना है, फिर उस पर मसाला, फिर उस पर तड़का। जैसे ही छोले आपका पक जाए आपको डालना है उस पर धनिया पत्ता, उसके बाद में आपको किसी को भी गर्मा गर्म सर्व करना है। और आपके मसाले कैसे बने हैं, मसाले के साथ छोले कैसे बने हैं, मैंने जो छोले बनाई है वो आपके सामने है। आपकी कैसी बनी है इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे आप फॉलो करके वहाँ पे आप फोटो खींच के भेज सकते हैं। मैंने इसके पहले कुलचा का रेसिपी शेयर किया हुआ है, जाके देख सकते हैं।